इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज के बारे में जो न्यू लैपटॉप के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। पहली एक्सेसरी कीबोर्ड और माउस है। तो माउस को यूज करने से आपको बेटर ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि टचपैड को आप यूज करोगे तो लंबे समय तक उतने अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, पर माउस को यूज करोगे तो लॉन्ग आवर्स तक भी अपने लैपटॉप के साथ काफी अच्छे से यूज कर पाओगे। और अलग से आप कीबोर्ड यूज करोगे तो वहां पर आपको बेटर टाइपिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसी के साथ लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो भी उतना यूज नहीं होता, इस वजह से आपका जो लैपटॉप का कीबोर्ड है वो भी जल्दी खराब नहीं होगा। तो अलग से वायरलेस कीबोर्ड और माउस आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और आप एक ही जगह के ऊपर बैठ के ज्यादा वर्क करते हो तो आप वायर्ड कीबोर्ड और माउस भी ले सकते हैं, वहां पे आपको चार्ज वगैरह करने की भी दिक्कत नहीं रहेगी। और कुछ ऐसे वायरलेस में कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो भी मिलते हैं जो एक ही यूएसबी रिसीवर लगाने से दोनों कीबोर्ड और माउस चल जाते हैं। मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मॉडल नहीं बता रहा कीबोर्ड या फिर माउस का, वो आप अपने एंड से रिसर्च करके देख सकते हैं। चैनल के ऊपर भी कीबोर्ड और माउस के रिलेटेड वीडियोस हो गए तो उनको भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर आप कीबोर्ड या फिर माउस लेने वाले हो उसके साथ आप माउस पैड भी ले सकते हैं। अब माउस पैड का यूज करने से आप जो माउस की मूवमेंट करोगे वो बेटर तरीके से वहां पे मूवमेंट कर पाओगे। माउस को यूज करने का आपका एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाएगा। सिंपली माउस को ही रखने के लिए माउस पैड चाहिए तो कुछ ऐसे मीडियम साइज के माउस पैड होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और कीबोर्ड और माउस दोनों ही आपको माउस पैड के ऊपर रखने हैं तो ऐसे एक्सटेंडेड साइज वाले भी माउस पैड आते हैं, वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। माउस पैड में भी मैं कोई स्पेसिफिक माउस पैड नहीं बता रहा, वो आप अपने एंड से रिसर्च कर सकते हैं। अब दूसरी एक्सेसरी यूएसबी हब है। अगर आप लैपटॉप में कीबोर्ड माउस ऐसे डिवाइस बार बार कनेक्ट और डिसकनेक्ट करते हो तो लैपटॉप का जो पोर्ट है वो ज्यादा यूज होगा, वो जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं। पर उसकी जगह आप कर क्या सकते हैं, यूएसबी हब परचेस कर सकते हैं और लैपटॉप में यूएसबी हब को कनेक्ट कर देना होगा, और फिर उस यूएसबी हब में आप अपने कीबोर्ड माउस जो भी कनेक्ट करना हो वो यूएसबी हब में कनेक्ट करोगे तो वो लैपटॉप में वर्क कर जाएगा। इससे आपका जो लैपटॉप का पोर्ट है उसकी भी लाइफ अच्छी रहेगी, उतनी जल्दी वो भी खराब नहीं होगा। और यूएसबी हब का यूज करने से मल्टीपल पोर्ट्स भी मिल जाते हैं तो वहां पे आप ज्यादा डिवाइस भी अपने लैपटॉप में इजीली कनेक्ट कर पाओगे। अभी आपको ये दिख रहा है वो एमकेट का 4 पोर्ट यूएसबी हब है 3.0 वाला, अच्छे से काम करता है। इसमें टोटल आप 4 डिवाइस को कनेक्ट कर पाओगे और डिसेंट टाइप की बिल्ड क्वालिटी है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बाकी आगे जितने भी प्रोडक्ट्स बताने वाला हूं उन सबके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो थर्ड एक्सेसरी है वो है वायर्ड ईयरफोन्स। अगर आप हेडफोन यूज करोगे तो कुछ घंटे के बाद आपको वो हैवी फील होते हैं और हेडफोन यूज करने से थोड़े टाइम के बाद पसीना वगैरह भी हो जाता है, मगर वायर्ड ईयरफोन्स यूज करोगे तो उसको आप कंफर्टेबली यूज भी कर पाओगे लंबे टाइम तक और प्राइस में भी वो कम देखने को मिलेंगे। वायर्ड ईयरफोन्स है तो चार्ज वगैरह करने की भी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और वायर्ड ईयरफोन साइज में भी छोटे होते हैं तो इजीली आप अपने साथ कैरी भी कर पाओगे। तो अच्छे वाले वायर्ड ईयरफोन की बात करो तो आप realme बर्ड्स 2 ईयरफोन्स को देख सकते हैं। इसमें 11.2 mm के ऑडियो ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी मिलती है, बिल्ड क्वालिटी भी ड्यूरेबल है और लॉन्ग आवर्स तक यूज करने में realme बर्ड्स 2 ईयरफोन्स भी काफी अच्छे हैं। फोर्थ एक्सेसरी लैपटॉप स्टैंड या फिर कूलिंग पैड, दोनों में से कोई एक आप परचेज कर सकते हैं। अब लैपटॉप स्टैंड या फिर कूलिंग पैड को यूज करने के क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे आपको बेटर एर्गोनॉमिक्स मिलेंगे, आप लंबे समय तक काफी अच्छे से लैपटॉप को यूज कर पाओगे। लैपटॉप स्टैंड या फिर कूलिंग पैड को यूज करने से लैपटॉप थोड़ा हाइट के ऊपर आ जाता है तो इससे आपको व्यूइंग एंगल्स भी बेटर मिलते हैं और लैपटॉप में एयर फ्लो भी अच्छा बना रहता है। अब आपको लैपटॉप स्टैंड या फिर कूलिंग पैड दोनों में से कौन सा लेना चाहिए उसकी बात करूं तो आप नॉर्मल वर्क करते हो, जैसे कि ऑफिस वर्क हो गया, ब्राउजिंग वगैरह करते हो, लाइट वेट वर्क करते हो अपने लैपटॉप के अंदर, और दूसरी चीज आप ट्रैवल वगैरह ज्यादा करते हो और आपको अपने बैग में इजीली कैरी कर सको ऐसा ऑप्शन चाहिए तो आप लैपटॉप स्टैंड को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप एक जगह के ऊपर रख के लैपटॉप को ज्यादा यूज करते हैं और उसमें हैवी टास्क करते हैं जैसे कि गेमिंग हो गया या फिर वीडियो एडिटिंग, तो फिर आप कूलिंग पैड ले सकते हैं और कूलिंग पैड में फैंस होते हैं तो लैपटॉप को अच्छे से कूल डाउन करने में भी हेल्प कर देते हैं। और कूलिंग पैड को यूज करो उस टाइम के ऊपर लैपटॉप को आपको चार्ज में रख के यूज करना चाहिए। अच्छा वाला लैपटॉप स्टैंड बताओ तो ये एमकेट अर्गो व्यू लैपटॉप स्टैंड है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें 7 हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन भी मिलते हैं और बिल्ड क्वालिटी वाइज भी काफी ड्यूरेबल है और अपने लैपटॉप बैग में भी इसको अच्छे से कैरी कर पाओगे। कूलिंग पैड लेना हो तो कॉस्मिक बाइट मीटियोरॉइड कूलिंग पैड आप देख सकते हैं। इसमें 6 फैंस मिलते हैं और फैन की स्पीड को इंक्रीज करना हो या फिर डिक्रीज करना हो तो भी आप कर सकते हैं और इसमें 12 आरजीबी लाइट्स के मोड मिलते हैं और आरजीबी लाइट को कम्प्लीटली ऑफ करना हो तो भी कर सकते हैं। इस कूलिंग पैड में भी 7 हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। एमकेट अर्गो व्यू और कॉस्मिक बाइट मीटियोरॉइड दोनों के ऊपर 15.6 इंच का लैपटॉप इजीली रख पाओगे। पांचवी एक्सेसरी क्लीनिंग किट है। स्क्रीन के ऊपर अगर डस्ट लग जाती है तो वहां पे स्क्रैचेस आने के
चांसेस स्क्रीन के ऊपर रहते हैं और लैपटॉप की बॉडी के ऊपर भी डस्ट वगैरह होती है, तो वहां पे भी स्क्रैच वगैरह हो सकती है आपके लैपटॉप की बॉडी। और कई बार जो डस्ट वगैरह होती है उसकी वजह से भी लैपटॉप हीट वगैरह होता है। एक अच्छी सी क्लीनिंग किट बताता हूँ जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी, है गिज़्गा एसेंशियल्स की 6-in-1 क्लीनिंग किट है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। पहला तो डस्ट ब्लोअर मिलता है, तो कुछ इस तरीके से आप डस्ट को यहाँ से लैपटॉप के कीबोर्ड से या फिर अलग अलग जगह से रिमूव करना चाहते हैं तो काफी अच्छे से लैपटॉप से डस्ट वगैरह आप रिमूव कर पाओगे। दूसरा यहाँ पे कॉटन स्वैब मिलता है, तो ट्रैक पैड के एरिया के आसपास जो भी डस्ट होती है उसको भी आप इजीली इसका यूज करके रिमूव कर पाओगे। और ये ब्रश मिलता है जिसका यूज करके आप कीबोर्ड के आसपास जो डस्ट होती है उसको रिमूव करना हो तो कुछ इस तरीके से कर पाओगे। और फोर्थ नंबर का यहाँ पे क्लीनिंग सॉल्यूशन मिलता है, और इसी के साथ आपको 2 यहाँ पे माइक्रोफाइबर क्लोथ मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के। तो ये क्लीनिंग सॉल्यूशन को माइक्रोफाइबर क्लोथ के ऊपर थोड़ा सा लगा के लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरीके से आप क्लीन करोगे तो लैपटॉप के डिस्प्ले को भी काफी अच्छे से आप क्लीन कर पाओगे। तो कुछ ऐसे आपको वीकली लैपटॉप को एक बार क्लीन कर लेना चाहिए, और 5-6 महीने में एक बार आपको लैपटॉप को अंदर से भी काफी अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए ताकि लैपटॉप हीट वगैरह कम हो। अब 6 नंबर की एक्सेसरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को लेने के क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताऊं तो, मान लो कि आपका लैपटॉप में कुछ भी गड़बड़ हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, तो भी आपका जो भी डेटा है वो एक्सटर्नल ड्राइव में सेफ रहेगा, और आप जो भी फाइल्स वगैरह स्टोर करोगे दूसरे डिवाइस में भी आपको यूज करना हो वो भी आप इजीली कर पाओगे। अगर आपको बड़ी फाइल वगैरह स्टोर करनी है तो आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले सकते हैं। जो फाइल्स वगैरह स्टोर करोगे उसको बेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए आप अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर भी पार्टीशन वगैरह करना हो तो भी कर सकते हैं। ये WD एलिमेंट्स एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसको आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। इसके साथ माइक्रो B2 टाइप A का केबल मिलता है जो डिटेचेबल केबल है, इसमें स्पीड भी अच्छी मिलती है, और ये हार्ड ड्राइव को आप EXFAT में अगर फॉर्मेट कर दोगे तो मोस्ट ऑफ OS में भी ये हार्ड ड्राइव वर्क कर जाएगी। और इसको आपको स्मार्टफोन में यूज करना है तो कुछ इस तरीके का टाइप A टू टाइप C का एडेप्टर आता है, उसको आप सेपरेटली ले सकते हैं, इसके साथ नहीं मिलता। यहाँ पे जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसको एडेप्टर में कनेक्ट कर देना, और एडेप्टर को फिर आप अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट करोगे जिसमें टाइप C पोर्ट है, तो वहां पे अपने फोन के फाइल मैनेजर में जाकर देखोगे तो आपकी हार्ड ड्राइव वहां पे दिख जाएगी। इस तरीके से आप अपने हार्ड ड्राइव को स्मार्टफोन में भी यूज कर पाओगे। और अगर आपको कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस चाहिए एक्सटर्नल, तो आप पेन ड्राइव भी ले सकते हैं, इजीली आपको अपने साथ कैरी करना हो तो भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्टोर करना है तो भी इजीली कर पाओगे। और अगर पेन ड्राइव में टाइप A और टाइप C दोनों कनेक्टर हो तो पेन ड्राइव को आप टाइप C कनेक्टर का यूज करके स्मार्टफोन में भी यूज कर पाओगे, और लैपटॉप वगैरह में भी टाइप A पोर्ट में डाल के पेन ड्राइव को यूज कर पाओगे। ऐसे ही पेन ड्राइव बताता हूँ जिसका नाम है SanDisk अल्ट्रा ड्यूअल ड्राइव लक्स। इसमें दोनों कनेक्टर मिलता है, यहाँ पे टाइप C है, ये वाला टाइप A कनेक्टर है, और ये जो वेरियंट है वो USB 3.1 Gen 1 के साथ आता है, और स्पीड वगैरह भी ये पेन ड्राइव में डिसेंट मिलती है। ये पेन ड्राइव मेटल बिल्ड में आती है तो बिल्ड क्वालिटी वाइज भी काफी ड्यूरेबल है। साथ में एक्सेसरी केबल प्रोटेक्टर है। अब बहुत सारे अपने डिवाइस होते हैं तो उन सबके केबल भी होते हैं, लैपटॉप का चार्जर हो गया और हार्ड ड्राइव वगैरह, इन सबके बहुत सारे केबल अपने पास हो जाते हैं, तो केबल मोस्ट ऑफ केसेस में यहाँ से ही टूट जाते हैं, इस वजह से केबल को प्रोटेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरीके के केबल प्रोटेक्टर आते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसको केबल के ऊपर लगा देना होता है तो ये केबल को प्रोटेक्ट करने में काफी अच्छे से हेल्प करता है। ये जो केबल प्रोटेक्टर्स दिख रहे हैं वो स्ट्रिफ ब्रांड के हैं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। इसमें बहुत सारे पैकेज के अंदर केबल प्रोटेक्टर मिलते हैं, व्हाइट चाहिए, ब्लैक या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर में केबल प्रोटेक्टर चाहिए तो भी वहां पे सिलेक्ट कर पाओगे। और स्पेशली जो स्ट्रिफ वाला केबल प्रोटेक्टर है वो राउंड आपके केबल है तो उनके लिए यूजफुल होगा, फ्लैट केबल के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। अब 8वीं एक्सेसरी टाइप C2C केबल है। स्मार्टफोन में भी टाइप सी पोर्ट आता है और लैपटॉप में भी टाइप सी पोर्ट है, आपको फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करनी हो तो आप इस केबल का यूज करके फाइल्स वगैरह अपने लैपटॉप से स्मार्टफोन में या फिर स्मार्टफोन से लैपटॉप में ट्रांसफर कर पाओगे। और आपने दूसरी एक्सेसरी वगैरह ली है जिसमें टाइप सी है तो उसको आपको चार्ज करना हो तो भी यहाँ पे कर सकते हो। मान लो कि आपको माउस है वायरलेस वाला टाइप सी पोर्ट है जिसमें उसको आपको चार्ज करना है तो यहाँ पे लगा के डायरेक्टली इसको आप चार्ज भी कर पाओगे। ये अभी आपको दिख रहा है वो पोर्टोनिक्स का कनेक्ट L टाइप C2C केबल है। बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छा है, ब्रेडेड केबल मिलता है और यहाँ पे L शेप में है, और ये फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है और स्पीड वगैरह भी अच्छी मिलती है जब फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करते हैं तब। ये जो सारे प्रोडक्ट्स बताए उनके लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, और उसी के साथ आपको लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए लैपटॉप प्रोटेक्शन एक्सेसरीज आती है उनको भी ले लेना चाहिए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लैपटॉप स्किन हो गया, पाम रेस्ट स्किन हो गया, और भी टोटल 7 यूजफुल लैपटॉप प्रोटेक्शन एक्सेसरीज के ऊपर मैंने चैनल पे वीडियो बना के रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं।